धारणी जननी एक्सप्रेस के पायलट द्वारा महिला का सुरक्षित प्रसव करवाया गया। बताया जा रहा है कि गंदवानी तहसील के जगन गांव की महिला द्वारा प्रसव पीड़ा होने पर डिलीवरी के लिए गंदवानी अस्पताल से जिला अस्पताल धार के लिए रेफर किया जा रहा था, लेकिन रास्ते में दर्द अधिक होने के कारण पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए मरीज की नॉर्मल डिलीवरी करवाई। मामले में जननी एक्सप्रेस के जिला प्रबंधक ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे पायलट को गंदवानी से जिला अस्पताल धार के लिए बुकिंग मिली थी, जिसके बाद पायलट अविनाश महिला को लेकर धार जिला अस्पताल के लिए निकल पड़े। पायलट जब जिला अस्पताल के लिए निकला तो गर्भवती महिला के पेट में तेज दर्द उठा और पायलट ने मिसाल पेश करते हुए बीच रास्ते में गर्भवती महिला की डिलीवरी करवाई। डिलीवरी के बाद जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहे, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रबंधक ने बताया कि हमारी कंपनी की ओर से इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए पायलट को प्रशिक्षित किया जाता है, जिसके बाद पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए महिला का सुरक्षित प्रसव करवाया। इस दौरान पायलट ने बच्चे की सेहत का ध्यान रखते हुए साफ सफाई की प्रक्रिया का भी ध्यान रखा। वहीं पायलट की सूझबूझ के लिए लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। भारतीय न्यूज के लिए मनावर से कलीम खान की रिपोर्ट। मेरा नाम अर्पित व्यास है, मैं जिला प्रबंधक 108 इमरजेंसी सर्विस से हूँ। आज सुबह हमारी गाड़ी को जीराबाद वाली जननी को गंदवानी से धार के लिए रेफर मिला था। रास्ते में महिला को प्रसव पीड़ा अधिक हुई, क्योंकि हमारे पायलट को कंपनी में जयम्बे द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है, हमारे द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है, तो पायलट की सूझबूझ और परिवारजनों के साथ मिलकर पायलट ने और परिवारजनों ने वाहन के अंदर ही महिला की सुरक्षित डिलीवरी कराई, जिसे उसके पश्चात धार जिला अस्पताल छोड़ा गया। जिस वक्त आपके वहाँ पर डिलीवरी हुई, बच्चे का क्या कंडीशन रही? जिस समय डिलीवरी हुई थी तो बच्चा अच्छी कंडीशन में नज़र आ रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। पायलट ने उसे एक बार अच्छे से चेक भी किया था, उसकी जो क्लीनिंग वगैरह थी वो भी पायलट के द्वारा की गई थी। चूँकि हमने हमारी कंपनी की तरफ से जयम्बे इमरजेंसी सर्विस की तरफ से पायलट को ये प्रशिक्षण पूर्व में दिया है, जिसका लाभ हमें उक्त समय पर मिल गया। पायलट का नाम? पायलट का नाम अविनाश सोलंकी, जीराबाद जननी से 108। Subscribe now to most exciting channel ever.